नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने माउस को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करके चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप माउस को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके कैसे चलाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने मोबाइल में कुछ इस तरह से ओपन कीजिएगा और जो आपका OTG है, जो आपके चार्जर पिंग वाले में, वहीं पर लगाना है आपको अपनी OTG को। कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, इस तरह से आपको लगाना है अपना OTG, ठीक है। उसके बाद जो आपका माउस है, ठीक है, और उसका USB, जो USB होता है ना, उसको OTG में आपको कुछ इस तरह से पिन करना होगा, यानी लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से आप लगा देंगे अपने OTG में, ठीक है। इस तरह से देखिए, मेरा लाइट जलने लग गया और वहाँ पर पॉइंटर शो कर रहा है। अगर आप में नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर सेटिंग में आकर आप टाइप करेंगे OTG, ठीक है। OTG इस तरह से सर्च करेंगे, ठीक है, OTG कनेक्शन, इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, OTG कनेक्शन इस तरह से डिसेबल रहेगा आप में, ठीक है। उसके बाद इनेबल कर देंगे तो लाइट इस तरह से जलने लगेगा, और डिसेबल कर देंगे तो नहीं जलेगा। इसीलिए इसे इनेबल कर लीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर देखिए शो करने लगा। इस तरह से अब हम यहाँ से डायरेक्टली बैक भी कर सकते हैं, और जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं अपने माउस को, ठीक है, अपने माउस को थ्रू से हम अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हम फेसबुक यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर यूट्यूब भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और क्लोज भी कर सकते हैं, कॉल नंबर भी रिसीव कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं। अगर इसे आप कंप्यूटर की तरह चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसे इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद इस तरह से उस ऐप को यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम आपका कंप्यूटर के जैसे ही चलेगा आपका मोबाइल, ठीक है। इसमें जो चाहेंगे आप कॉल भी लगा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे कि आप माउस को कैसे कनेक्ट करके अपने मोबाइल से चलाएंगे। देखिए, आपका मोबाइल में जो सभी ऐप इंस्टॉल रहेगा, यहाँ पर आपको दिखने को मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।